बोलिए सद्गुरुदेव की। जय। आज सद्गुरु कबीर साहब का 622वां अवतरण दिवस है। साहब का अवतरण 1398 में हुआ और विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा। आज का दिन विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन की वजह से हमने ये विशाल प्रोग्राम कैंसिल किया है। 18 अप्रैल को मेरा 71वां जन्मदिन था, हमने वो भी सेलिब्रेट नहीं किया। हमारे आश्रम में मूल रूप से 12 भंडारे बहुत विशाल होते हैं, 12 पूर्णिमा है। उनमें से बारह में से तीन चार प्रोग्राम और भी बड़े हैं जिसमें करीब 1 लाख के आसपास लोग आते हैं। पहला कबीर जयंती, जिसमें देश के कोने कोने से लोग आते हैं। दूसरा गुरु पूर्णिमा, इस पर भी पूरे विश्व से लोग आते हैं। तीसरा 18 अप्रैल को मेरे जन्मदिन पर। चौथा 31 दिसंबर आश्रम के स्थापना दिवस पर। ये चार बड़े विशाल प्रोग्राम होते हैं। इस बार इनमें से तीन डिस्टर्ब होंगे, इनमें से दो तो हो चुके। मुझे नहीं लगता है कि ये सिलसिला ज्यादा जल्दी खत्म होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के इफेक्टेड लोग बढ़ते जा रहे हैं। चाहे अनचाहे इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो हालांकि न तो व्यक्ति चाहता है कि ये बढ़े, न तो गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था इससे बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो वो ये बात समझते हैं और पब्लिक भी समझती है, ये बड़ी भयंकर बीमारी हुई। इसलिए मैंने भ्रमण भी बंद कर दिया। आज भी यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे थे, मैंने उनसे प्रार्थना की यहाँ इकट्ठे नहीं होना। अगर आप यहाँ आए हैं तो बंदगी करके अपने अपने घरों में जाएं। हम जमातियों की तरह यहाँ मरकज के मस्जिद की तरह वातावरण नहीं बनाना चाहते। कभी कभी सुबह लोग बंदगी के लिए आते हैं, मैं कहता हूँ भैया अगर आप आ गए तो यहाँ सोशल डिस्टेंस बनाकर ज़्यादा भीड़ नहीं करें, चलते जाएं, अधिक समूह इकट्ठा ना हो। वैसे हमने ये पाबंदी कभी भी नहीं लगाई है। रात के 12 बजे भी आश्रम में आदमी आ जाता था, 1 बजे भी आ जाता था, सुबह भी आ जाता था। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मजबूरी में हमें ये सब काम करना पड़ रहा है। तो आज का दिन मानव इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत ज़्यादा। साहब ने आकर दुनिया को बहुत कुछ नया दिया, जैसे कोपरनिकस और न्यूटन ने दुनिया को एक चीज दी बड़ी लाजवाब,
एक मिथक तोड़ दिया। पहले हम सोचते थे हमारे पूर्वज की धरती अपनी जगह स्थित है, सूर्य चल रहा है। अब यह मिथक टूट चुका है। अब हम सब, हालांकि ये अलग बात है कि अभी भी कुछ लोग अपठित या भ्रमित हैं जो इस तथ्य को अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे, पर अब तो कहीं संशय की बात ही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं न्यूयॉर्क गया, यहां से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12:00 पर फ्लाइट ली। बिजनेस क्लास में था मैं, विंडो था, विंडो के पास था। जहां मैंने सूर्य देखा उसी एंगल पर चंद्रमा, अमेरिका लैंड होने तक वो उसी जगह पर था। वजह यह थी कि मैं धरती की ऊपर था, थोड़ा वायु में था, इसलिए जहां प्लेन था वो नहीं घूम रही थी जगह। जब हम धरती पर हैं तो धरती घूमती है तो हमको समझ में नहीं आता। और आजकल सैटेलाइट और अंतरिक्ष में भी यान है, घूम रहे हैं, पूरे पूरी पृथ्वी को घूमते हुए देखा जा सकता। पर इस कटु सत्य को अभी भी 30-35% पॉपुलेशन है जो स्वीकार नहीं करती। मैं इसका सर्वे करता रहा। मैंने सत्संग में पूछा, हजारों लोग बैठे थे जो मानते हैं कि सूरज घूम रहा है, हाथ खड़ा करो, तो आप मानेंगे बहुत से लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा जो कह रहे हैं सूरज नहीं घूमता है, धरती घूम रही है, हाथ खड़ा करो, बहुत थोड़े लोगों ने हाथ खड़ा किया। इतने प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने के बाद भी लोगों की धारणा जल्दी नहीं जा रही है। इसी तरह कबीर साहब के संदर्भ में लोगों के दिल में भ्रमांक धारणा है, और बस दसूर पाठ्यक्रम पुस्तकों में भी एक साजिश के तौर पर प्रारंभ से ही कबीर साहब को एक अदना सा व्यक्ति दिखाया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने का कारण क्या था? कबीर साहब ने जिस लोक की बात की वो न वेदों में था, न किसी धर्मशास्त्रों में था, न किसी धर्म ने इसकी इसका संकेत दिया। पूरी दुनिया के अंदर निराकार निरंजन की उपासना होती है। मुसलमान लोग इसको बेचूना खुदा कहते हैं, निराकार चुन बेचुन, साकार निराकार। ईसाई इसको आकाशी पिता कह रहे हैं। हमारे वेदों में भी इसे निराकार कहा। मेरा ये मानना है कि दुनिया के सभी मजहब सिर्फ उसी निरंजन को मानते हैं। पर साहब ने आकर ये मिथक तोड़ दिया। उन्होंने कहा तीन लोग से भिन्न पसारा, अमर लोग सदगुरु का नारा। इससे क्या हुआ, लोगों की जो स्थापनाएं थी, लोगों ने धर्म के नाम पर जो चीजें स्थापित की थी उन मान्यताओं को ठेस लगी। और कबीर साहब ने उस समय ये प्रमाणित करके बताया कि वो लोग हैं। संत काल का ड्यूरेशन ही साहब के माध्यम से शुरू हुआ, उससे पहले संत शब्द आपको मिलेगा भी नहीं।
इसलिए वो तबका आक्रांता हुआ, हाइपर हुआ, एक बहुत बड़ा हजूम कबीर साहब की तरफ झुका, जिससे उनके रोजी रोटी और इनकम पर अंतर पड़ा। इसलिए उन्होंने एक योजना की कि कबीर साहब को बिल्कुल डार्क में ले जाओ, अंधकार में ले जाओ। यहां तक कह दिया कि अनपढ़ आदमी था, जहां से आया वहां से बोला, कबीर की उलट बैसी। मेरा यह मानना है जितने भी महापुरुष आए उनमें से सबसे ज्यादा रिसर्च और पीएचडी डिग्री कबीर पर ही लिए लोगों ने, और नानक देव जी पर लिए। इस तरह उस समय उनको इसलिए ब्रेकआउट किया गया ताकि जन समझाया इस विचारधारा की तरफ नहीं जाए। मैं एक प्रमाण देता हूं भाई, ईसाइयों की राजधानी जेरूशलम धार्मिक राजधानी, मुसलमानों की मक्का मदीना, जैनियों की उज्जैनिया, बुद्धिस्ट लोगों का कपिलवस्तु, और हिंदू धर्म की धार्मिक राजधानी काशी। मेरा ये प्रमाण सटीक है, काशी का राजा वीर सिंह बघेल कबीर साहब का अनुयायी हुआ। आज से 622 साल पहले इतनी अनटचेबिलिटी थी। अगर कबीर साहब एक जुलाहा और छोटा या कुआरी ब्राह्मणी का बच्चा होता तो वीर सिंह बघेल ये काम नहीं करता। साहब क्या करे, काशी तज मगहर को आए दोनों दिन के पीर, एक उनका जलवा था कि वो हिंदू और मुसलमान दोनों को बोधे। आज ये कोई काम करने वाला धरती पर दिख नहीं रहा है। उन्होंने मानवता को संगृहित किया और सबल किया, उसकी पैरवी की। राम रहीम एक है भाई, काहे करत लड़ाई, हिंदू कहे राम राम मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े राम कोई ना जाने। यहां मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, आप अगर सभी प्रीचरों की तरफ देखें, हां तो कोई किसी ईसाई किसी मुस्लिम किसी बुद्धिस्ट या अन्य धर्म वालों को इस धारा में नहीं लाया है संस्कृति में। मैं ये बात अहंकार से नहीं बोला हूं, मैं हजारों ईसाइयों को इस धारा में लाया, एक दो नहीं, बहुत मुसलमानों को इस संस्कृति और इस भक्ति के साहिब के झंडे के तले लाया। बुद्धिस्ट भी आए सिख भी आए, ये एक उपलब्धि है, यह अहंकारोक्ति नहीं है। मैं उनको यह समझा ले गया कि कबीर साहब की शख्सियत क्या थी, उन्होंने जो रहस्य दिए अद्भुत है। अगर आप मुंबई घूमकर आए, पूरी दुनिया अगर ये कहे तुम मुंबई नहीं गए हो, वास्तव में आपके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भैया जिन देशों को वो बोल रहे मैं वहां गया हूं, उनको जानता हूं। अगर मैं लंदन आई में बैठा, कोई कहे लंदन आई नाम की कोई चीज नहीं है, तो मैं कैसे स्वीकार करूंगा। आप कम से कम मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरी वाणी से तो अनुभव कीजिए कि मैं जो ये बात बोल रहा हूं कितने भरोसे से बोल रहा हूं। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अहंकार वश नहीं। कबीर जयंती पर
2018 में एक महान आए बड़ोदरा से, बहुत अच्छे थे। जब मुझे सूचना मिली कि वो महंत आए हैं तो मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया है, महंत है। मैंने उनके बैठने की व्यवस्था की और जो भी महात्मा आता है, साधु आता है, हम उसको सम्मान देते हैं, विदाई भी दे देते हैं। लेकिन वो महात्मा जब आया, सीधा आकर उसने मुझे साष्टांग दंडवत किया। मैं हैरान हो गया। मैंने उस महात्मा से पूछा आपका यहां आगमन कैसे हुआ। बोला मैं आपका प्रोग्राम देखता था, यहां लोगों ने, भगत बिरादरी ने मुझे निमंत्रण देकर के बुलाया। जब मैं यहां से वापस जा रहा था तो राया मोड़ पर आपके बैनर और कुछ लोग दिखे और मैं टर्न करके जब पता चला मधु परमहंस का यहाँ आश्रम है, मैं आपके पास आया। मैंने उनको कोई और ज्ञानोपदेश नहीं दिया, उन्हीं की बात सुनी पहले। उन्होंने कहा महाराज मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। पूरे देश के लोग मिलकर जो इस धारा में चलते हैं उनसे कहीं आप अकेले ने कबीर साहब को हाईली इल्यूमिनेट किया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। यह कबीर भव भटका खाए, वह कबीर भव पाड़ लगाए। बहुत से लोग अभी मुझे कबीर जयंती के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, उन सबको मेरी ओर से धन्यवाद। उनको भी कबीर जयंती की शुभकामनाएं। तो वो एक साधारण आदमी नहीं बोल रहा था ये बात। मैंने ये एक उदाहरण कई बार दिया है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा। अगर पूरे भारत का विचरण करेंगे तो कबीर पंथ में केवल पिछड़े, दलित और ऐसे लोग मिलेंगे। क्यों ऐसा? सवर्ण बिरादरी कबीर साहब को नहीं अपनाई, उनके दिमाग में उस पाखंडी तबके ने ये विष भरा। ये तो कुआरी ब्राह्मणी का बच्चा था, ये तो अनपढ़ जाहिल था, जहां से आया वहां से बोला, इसलिए उनको तहरीज नहीं दी गई। एक शब्द है, ज्ञानी थे अति ज्ञानी होई, कहे सुने मत भर में सोई। अगर किसी के लिए बार बार ज्यादा समूह कुछ बोलेगा तो ज्ञानी के असर दिमाग पर भी असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए बहुत बड़ा जनसमुदाय, मेरा प्रैक्टिकल कुछ अनुभव है, अगर कोई प्रचार करता है तो जनमानस के ऊपर एक असर पड़ता है। जब मैंने इस क्षेत्र में भक्ति का प्रचार जोरों से किया, मेरा घोर विरोध हुआ। हालांकि मैं एक सन्यासी हूं, मैंने ब्याह शादी नहीं किया और एक सैनिक हूं, सेना से जूनियर कमीशन ऑफिसर रिटायर्ड हुआ मैं। मुझे इन्होंने आईएसआई का कार्यकर्ता बनाया और मुझे इन्होंने कहा ये कट्टर मुसलमान है और ये धर्मांतरण कर रहे हैं। लोगों ने यहां तक कहा कि इसके पास हेप्टनिज्म है, वशीकरण है, अगर इसकी आंखों में भी देखोगे ये तुम्हें खींच लेगा। उसका असर जनमानस पर पड़ा। क्यों? वो भोले लोग थे, अपठित थे। दुर्प्रचार और अफवाहों का असर इलिटरेट लोगों पर ज्यादा पड़ता है, इसलिए अभी भी हमारे देश में इलिटरेसी जबरदस्त है, बहुत है। मैं देश के कोने कोने में घूमता हूं, पूरे विश्व में घूमता हूं, यूरोप में, ब्रिटेन में, अमेरिका, कनाडा आदि देशों में। एक रूल है,
और बच्चे को नहीं पढ़ाया, माँ बाप दंड के अधिकारी है और स्कूल एजुकेशन वहां फ्री है, कॉलेज एजुकेशन बहुत महंगी है, यहाँ उल्टा है, स्कूल एजुकेशन यहाँ बहुत महंगी है, कॉलेज एजुकेशन फ्री है, उसका कोई ज्यादा फीस नहीं है। तो ये दुष्प्रहार पड़ा और मुझे आतंकवादी बोला, कहीं मजनू बोला, कहीं कुछ बोला, कहीं धर्मांतरण करने वाला बोला, कहीं ISI का लीडर बोला, कई न्यूज़पेपरों पर मैंने मानहानि का दावा भी किया और केस वो अभी तक चल रहे। तो उन्होंने कहा इससे निगाह भी नहीं मिलाना, इसका जो लिखा हुआ है वो भी नहीं पढ़ना, कभी कभी रास्ते में मुझे लोग मिलते हैं, कुछ मुझे प्रणाम करते, ठीक है, मैं सर झुका कर उनको नमन करता हूँ, कुछ अपने नाम ही मिलते हैं बड़े अदब के साथ में, वो इज्जत रिगार्ड्स करते, कुछ ऐसे मिलते हैं उनको मुझसे लेना देना नहीं, न तो अदब करते हैं, न तो प्रणाम करते हैं, न तो घूर कर देखते हैं, कुछ ऐसे घूर कर देखते हैं जैसे उनकी नानी को मैं भगा के ले गया हूँ, इस तरह घूर कर देखते हैं। ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं किया, पर वो भोले लोग थे, उनके दिमाग पर यह प्रभाव पड़ा। इस तरह कबीर साहब ने जब भ्रम आडंबर के ऊपर हमला किया तो वो पूरा तबका इकट्ठा हो गया, और जोर शोर से प्रचार करने लगा। मैं आपको एक बात बार बार नहीं दोहराना चाहता हूं, हमारे 12 आश्रम जला दिए गए, कोई एक धर्म स्थान जले तो पूरे वर्ल्ड में हाईलाइट हो जाएगा। 12 आश्रमों को एक तबके ने फूंक दिया, बाय नेम दरखास्त दी गई, एक पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें राजनीतिक संरक्षण था पूरा। खैर, मैंने उनका जवाब क्या दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरा आश्रम जलाया। पहले मुझे कुल्ली वाला महाराज कहते थे, मैं घास फूस की कुल्लियां बनाता था, रहता भी कुछ ऐसी कुल्ली में। जब मैंने देखा कि लोग आश्रम जला रहे हैं कुल्लियां, चुप आए, कुछ तो जबरदस्ती भी जलाए, दिन में भी जलाए, उन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, कुछ रात में आकर जलाए, तो मैं उनको क्यों धन्यवाद दिया। जहां मेरा आश्रम जला वहां मैंने पक्के आश्रम बनाना शुरू कर दिया, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं था। जब मैं शुरुआत की तो इतने विशाल विशाल भवन बनाने लगा मैं, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। वाह, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि तुमने हमें मजबूत बनाया। कबीर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, नानक देव जी कह रहे हैं, पलटू साहब कह रहे हैं, निंदक मेरा गुरु, वाह, निंदक मुझे सचेत करता है, इसलिए मुझे उनसे भी शिकायत नहीं है, उनमें से काफी तो मेरे शिष्य भी हो गए। फिर उन्होंने मुझे बताया कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल थी, कौन कौन क्यों थे, क्योंकि उसमें उस समय शामिल थे, अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं वेबनेस से नहीं फैलाता हूं, प्रेम फैलाता हूं। इस तरह कुछ वो तबका भी इसमें शामिल हो गया, फिर शराबी कबाबी, किसी गरीब को परेशान करने वाला, वो तबका भी शामिल हुआ, 5,000 लोग। आज इतिहास को उठाकर देखना, किसी धर्म स्थान पर 5,000 लोग हमला करने नहीं आए। मेरे पास पूरी कटिंग है, पूरे फोटो हैं, पूरे प्रूफ है, इवन मैं ह्यूमन राइट तक भी गया। तो बंधुओं, मेरे कहने का भाव यह था, वो सतर्क करता है निंदक, हम सतर्क हुए, मैंने उसका प्रतिकार हिंसा से नहीं किया। मेरे पास भी मोर देन मिलियन लोग हैं, पर मैंने कभी हिंसा को महत्व नहीं दिया। तो जिन्होंने ये कृत किया
उनके प्रति मैंने कभी श्राप नहीं दिया, सम्मेलित नहीं की, वो कभी खुद आकर मुझे बताए हमारे शरीर में ऐसा लगता है हमेशा आग लग रही है, हम आपका आश्रम फूका, हमें क्षमा करो। मैं तो उनको बुलाया नहीं कि मुझसे माफी मांगने आओ। मैंने पूछा आखिर तुम पढ़े लिखे भी लग रहे हो, आश्रम क्यों जला है? बोला हमें ये बताया गया ये धर्म बदल रहा है, मुसलमान बना रहा लोगों को, IASI का लीडर है और बॉर्डर पर पूरे आश्रम बना रखे हैं, इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं, आतंकवाद को फैला रहा है। अरे भैया कौन सा आतंकवाद है यार, मैं खुद 5 साल तो जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट लोगों से फाइटिंग किया है और QRT टीम में मैं कमांडो में था और 3 साल काउंटर इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में मिजो होस्टाइल से फाइट किया, कौन सा आतंकवाद है? कुछ कवियों में कहते हैं कि फौज से इसको निकाल कर जेल भेजा था, अरे आज भी पेंशन ले रहा हूं मैं। यानी आपका विरोध करने वाला कुछ न कुछ तो बोलेगा और कड़वा बोलेगा, वो अपनी भंडास निकालता है। इस तरह जब लोग ये इस तरह से परेशान हुए, और यही होगा, मैंने कभी टेंशन नहीं ली। अजी कुंजवाणी में मेरा आश्रम एक अपराधी तबके ने जलाया तो मेरे लोग वहां रो रहे थे, मैं पहुंचा मैंने कहा क्यों रो रहे हो? दूसरे ही दिन मैंने पक्का हाल और आश्रम बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो हमने बड़ी गलती की, इनकी पहले गुल्लियां थी, अब पैसा कहां से आ रहा था ये बताता हूं। संगत धर्मस्थान था उनका, गुरुस्थान था, जुट गई, गरीब गरीब लोगों ने धन लगाया, कोई बजरी दिया, कोई सीमेंट दिया, कोई कुछ दिया, कोई लोहा मंगाया, कोई नगद पैसा दिया, कोई अनाज बसाया, मेरे पास कोड़ी भी नहीं थी और ऐसे ऐसे भवन बनते। तो वाह भाई निंदक जी है जुगन जुग, काम हमारा होए, काम हमारा होए बिना कोड़ी। और ऐसे ही कबीर साहब की झोपड़ी भी जलाई। मैं सत्संग में इसको कई बार बोला और पड्डू साहब को तो आग में फूंका। ये होता रहा है, ये होता रहेगा। धर्म के नाम पर पाखंड करने वाला तबके में साम दाम दंड भेद सब कुछ है, राजनीति से भी जुड़े होते हैं, सभी चीजें उनके पास होती है। मसला क्या था? कबीर चौरा आज काशी के बीच में है, लेकिन उस समय वो नगर से बाहर था, एकांत में था, वहां साहेब की झोपड़ी थी, उसके बगल में ही एक वेश्या का सुंदर महल था। वेश्या बड़ी सुंदर थी, दूर दूर से उसके पास ग्राहक आते थे। एक सेनापति भी उसके मोहपाश में था। उसने वेश्या को कहा, हे प्रिय, हे मेरी जान, मैं तुझ पर हूं कुर्बान, तुझे कोई तकलीफ हो तो मुझे बता, मैं देख लूंगा। जो कामुक होता है वो स्त्री के आगे 100% सरेंडर हो जाता है। उसको कहो ना तू घोड़ा बन, वो घोड़ा बनेगा, गधा बन, वो गधा भी बनेगा। वेश्या ने कहा, महाराज हमें और क्या तकलीफ है, आप सब लोगों का दिया हुआ बड़ा धन है, वैभव है, लेकिन ये पड़ोस में निर्बसिया जो कबीर रहता है ये मुझे बड़ा परेशान करता है। बोला भाई क्या परेशान करता है? बोला महाराज आप सबका मनोरंजन करके विषय विकारों से छुट्टी पाकर 4 बजे मैं सोने जाती हूं, जब इस निर्बसीय के पास पता नहीं कितने ढोल लगा के बजीरे बजीरे बजाकर कंडलियां बजाकर और भजन गाता रहता है, इससे मेरी नींद में खलल रहता है। मैंने इसको कई बार बोला, रे कबीर तू मुझे डिस्टर्ब मत कर, मेरे सोने का समय। वो क्या कहता है, इससे बात करना ही मुश्किल है, जवाब ऐसे देता है कि दंग रह जाती। कहती है मैं तेरे से इतना परेशान हूं, जब हमारा ध्यान भजन का समय होता है, हमारा रात को सोने का समय होता है 10 बजे के बाद, उस समय तेरे कोठे पर झुमझुम पायलें बजती हैं और म्यूजिक होता है, विषय विकार होते हैं, हमने तो आपको कभी उड़ान नहीं दिया। तो ये मानता ही नहीं है। सेनापति ने कहा, हे मेरी जान तू मत चिंता कर, कल ये कबीर का यहां पर झोपड़ा रहने नहीं।
उसने अपने दंड भूषण चार से सैनिक भेजे, बोला जाओ इसको फूंक करो। अजी क्या था, झोपड़ा फूंक दिया। बोला कबीर साहब अंदर क्यों बैठना था, बाहर निकल गए। जब धधक कर झोपड़ा जलने लगा तो साहब ने सैनिकों का, वाह वीरो तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो जब झोपड़ा बनाया जाता है उस पर घास फूस रखा जाता है, उसको रखने के लिए लकड़ी भी डालते हैं कुछ इधर ताकि घास सूखे। उस लकड़ी का एक शोला एक झोंका आया चक्रावत हवा का, उड़ करके बेशा के महल की खिड़की खुली थी उसके अंदर जाकर पड़ा। पूरे मखमल के गद्दे काली ने पूरा महल उसका धधकने लगा। बेशा का वेशा दौड़ती आई, अगर आकर के कबीर साहब को कहा निर्बसीय मेरा महल जला दे। कबीर साहब ने कहा सुन सुन बावड़ी, ये यारों का खेल है, सुन हमें नहीं लड़ना है आपस में। तेरे यार जो तुझे प्यार करता था, तेरे यार ने मेरा झोंपड़ा फूंका। जो मेरा यार साहब है उसने तेरा महल फूंक दिया। अरे झगड़ा यारों का है, तेरे यार को बोल उससे निपटे, हम आपस में क्यों लड़े पड़ोसी होकर। तो ये होता रहा है, ये होता रहेगा। मोहब्बत करेगा तो रोता रहेगा, ये होता रहा है, ये होता रहेगा। इस तरह वो विरोधी तबका काफी कुछ दे जाता है, सतर्क करता है लोगों को, डेडिकेट करता है। मैं कहता हूं मेरे लोगों को मजबूत है बहुत बाकी से। इस मजबूती में जितना मेरा और साहब का सहयोग है उतना ही मेरे विरोधियों का है। वो मेरी निंदा करते रहे, ये वहां फाइट करते हैं तो वो सोचते हैं अभी कोई नियम उल्लंघन नहीं करना, ये नहीं तो यही लोग निंदक मेरी खिचड़ी निकालते हैं। इसलिए वो उनको मजबूत किया। वाह वाह, निंदक मेरा गुरु नानक देव जी कह रहे हैं और साहब भी कह रहे हैं निंदक नियारे राखी अवगुणपुटी स्वभाव, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सो। इस तरह ये होता रहा है, ये होता रहता है, मुझे इसकी चिंता नहीं। कभी कभी मेरे लोग परेशान होकर के, एक श्रीमान ने क्या किया जी, पुस्तक के साथ मेरा एक फोटो था कवर पर, उस फोटो को उसने क्या किया, वीरप्पन की तरह मेरी बड़ी बड़ी मूछें गुंडे की तरह पेन से बनाई और एक राइफल उसने आर्टिफिशियल बनाकर, आजकल तो देखते ना एडिटिंग भी कैसे कैसे हो जाती है, वो बनाई और एक आंख काणी थी यूं कर दी थी और मेरे एक भोले सत्संगी के घर वो फोटो फेंक दी। अब वो मेरे पास आया, सुबक सुबक कर रो रहा था। मैंने पूछा क्या हो गया, वो बोले नहीं रोए जाए। अरे मैंने कहा पहले धीरज रख बोल तो सही, मैं सोचा घर में कोई हादसा होगा, कोई मैयत हुई होगी। वो झोले से वो मेरा फोटो दिखाया, बोला देखो साहब जी आपका ये क्या हाल किया। मैं कहा बेवकूफ के पुत्र, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरा कोई हाल ही नहीं किया उसने। वो एक कायर कमजोर है, उसकी हिम्मत नहीं थी मेरे पास आए। तू बोला है तुझे टेंशन देने के लिए किया, पर अगर वो ये चाहता है कि इसकी किताबें नहीं छपे, ये अपना फोटो नहीं, इससे नहीं। तेज नदी की धारा को मिट्टी की मुट्ठियां बांध के रूप में अवरुद्ध नहीं कर सकती है, सिलसिला चलता है। इस तरह साहब उनका बड़ा घोर विरोध किया उस टीम ने, ये होता रहा है होता रहेगा। पर आज भी जनमानस पर इसका कुछ ना कुछ असर है। आज वैज्ञानिकों ने कितने बेहतरीन एग्जाम्पल दिए, मंगल पर भी यान पहुंचाए, सिद्ध करके बता रहे हैं धरती घूम रही है। तब मैंने जब देखा उसी एंगल पर था, फिर वापसी में जब मैं चला तो सूरज भी उसी एंगल पर था, इंडिया तक आने तक वहीं था, खिड़की के उस एंगल पर 45 डिग्री पर था, कुछ
40 पर नहीं आया, 50 पर भी नहीं गया। लेकिन आज भी लोगों की यह धारणा है कि पृथ्वी घूमती नहीं, घूमती है सूरज घूम रहा है। इसी तरह आज भी लोगों में यह धारणा है कबीर एक जाहिल आदमी था, आज भी उनमें यह धारणा है कि कबीर को जहां से आया वहीं से बोला धाकड़ था। इसी तरह मैं इस तथ्य को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन जो बुद्धिजीवी, मैंने एक बात कई बार बोली है, मुझसे यही क्वेश्चन नई दुनिया के कबीर जयंती के अवसर पर 1998 में मध्य प्रदेश में कबीर जयंती पर 3 दिन का राष्ट्रीय अवकाश किया था, राजकीय अवकाश। उसमें कबीर जयंती गांधी भवन में मनाई गई थी, मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। उस समय वहां के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, वो खुद राजा पीपा के परिवार से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कबीर लटे भी बनाई, जैसे सम्राट अशोक ने बनाई है, जगह जगह बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने भी वहाँ कबीर लटे बनाई थी, बहुत सुंदर, एक मुझे भी भेंट दी गई है, वो भोपाल आश्रम में अभी भी है। तो वहाँ एक पत्रकार ने, मिस्टर जैन थे, बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, ये 22 साल पहले की बात है, मुझसे पूछा था कि आपके पंथ की उपलब्धि क्या है। मैंने कहा दो, पहला तो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी से कोई महाविश्रण करेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ बिछड़े पिछले और छोटी जाति के और दलित लोग मिलेंगे। मैंने ये मिथक तोड़ा, ये अहंकार है क्या? अरे आप ड्राइवर हैं, अगर आप कहते हैं मैं ड्राइवर हूं, ये अहंकार है क्या? आप स्वर्णकार हैं, कहते हैं अंगूठी बना दूंगा, क्या ये अहंकार है क्या? मैंने करीब 3-4 लाख ब्राह्मणों को दीक्षा दी, उनको मैं समझा ले गया, वो इतने प्यारे तरीके से चल रहे हैं कि पूछो मत, उन्होंने इतनी हेल्प की। तो मैंने कहा पहली मेरी ये उपलब्धि है, मैंने ये मिथक तोड़ा और मोर देन 3 लाख क्षत्रियों को नाम दिया, ईसाइयों को नाम दिया, महाजनों को नाम दिया, मुस्लिम लोगों को नाम दिया, 10,000 तक सिखों को भी मैंने इस धारा में जोड़ा। ये अहंकार है क्या? ये तो सत्योक्ति है, पहली मेरी ये उपलब्धि है, मैंने उनको कहा मेरे पास। दूसरा, जो हमारे संस्था से जुड़े हैं, नियमों का पालन करते हैं, इसलिए वो बहुत बेहतरीन इंसान है। आप कहीं भी देखना, एक मुस्लिम लड़की स्कॉलर थी, आई हमारे यहाँ, तो उसने देखकर हैरान हो गई कि आपके लोग कितने प्यारे इंसान हैं। मैं कहता हूँ पहले पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। किसी का अंतःकरण बदलना सबसे बड़ी आर्ट है। उसने देखा कि सब लोग ऐसे ही हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, इनमें अनटचेबिलिटी नहीं है, इनमें प्यार है, ये कैसे जीव है? वो एक गीत है, तुमको इंसान बन के दिखाएंगे हम, क्या हुआ जो नहीं बन सके देवता। भाई प्रभु की तरफ जाने से पहले आपको अच्छा इंसान बनना है, दिल का हजरा साफ कर जाना के आने के लिए। तो इस तरह से मैं ये बता रहा हूं, मैं उस पब्लिक को यह समझाने में सक्षम रहा उनकी कृपा से, सवर्ण ब्रादरी को खास तौर पर, कि व्हाट इज द कबीर, यह कबीर भव भटका खाए, वह कबीर भव पार लगाए। यह कबीर क्या, जो तुमने एक जुला कबीर मान लिया है उससे तुम भटक जाओगे। वह कबीर का मतलब है जो उसके सही स्वरूप को जानता है, वो संसार से पार होता है। तो इतनी बड़ी विभूतियों को साहब ने भक्ति में जोड़ा। आज नाना मत मतांतर, मैंने भक्ति के चोर में ये लिखना चाह रहा था कि सब कबीर साहब की वाणी और थ्योरी को चुराते और काम करते। लॉकडाउन पर मैंने एक प्लान किया कि मैं लाइव प्रोग्राम दूंगा। अब तो मेरा ये प्लान है कि मैं लाइव प्रोग्राम हमेशा देने की कोशिश करूंगा, दूर दराज में बैठे हुए लोग भी देख सके, सुन सके।
कुछ मेरी देखा देखी ये काम करने लगे, लेकिन एक हफ्ते में कहीं कहीं प्रोग्राम देते हैं, उनके पास मटेरियल ही नहीं है, 40 मिनट बोलने में भी वो अटकते हैं क्योंकि अनुभूतियां नहीं है उनकी वाणी और बॉडी लैंग्वेज से, नहीं लगता है कि यथार्थ में उन तथ्यों को जानते हैं। ये अहंकार नहीं है मेरा, और बुरी बुरी मेरी नकल भी करते हैं। अगर मैं लंगर दिखाता हूं ना, मैं लंगर नहीं दिखाया, मैंने किसी मीडिया वाले को आहूत नहीं किया, वो बेचारे खुद आए मुझसे आकर सवाल करते हैं कि भैया आप कितने लोगों को भोजन खिला सकते हैं कैसे, तो मैं जब बोलता हूँ 10,000 लोगों को हम भोजन दे, तो वो खुद देखते हैं कैसे दे रहे हैं। मैं उनको स्टोर दिखाया, देखो भैया हमारे पास राशन है, लकड़ियाँ दिखाई, देखो भैया ये चूल्हे दिखाए, भांडे बर्तन दिखाए, मैं कहा आप भरोसा करो हम दे रहे हैं और सही में दे रहे हैं। फिर लोगों को वो पूरा दिखाया, भोजन दे रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, माया भरना, अब वो सभी इसी रवायत पर चलकर वो भी ये पूरा पूरा नाटकबाजी कर रहे हैं। हालांकि वो भोजन देते जाते नहीं, एक दो दिन देकर छिप जाते हैं। अभी ग्राउंड में जाकर देखो कोई भी नहीं दे रहा है भोजन, हम अभी भी जा रहे हैं। तो खैर मुझे उनसे कोई वैमनस्य नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा है कम से कम वो मेरा अनुकरण तो कर रहे हैं, चाहे छिप कर रहे हैं। बात वही हुई, एक दिन मुझे एक आदमी आकर बोला, गुरुजी मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और कुछ और भी हैं, साहेबबंदी की आपस में बोलते हैं, प्रिंसिपल बड़ा गुस्सा होता है, यहाँ साहेबबंदी की नहीं बोलो। मैं कहा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। थोड़े दिन बाद वो आया उन बच्चों को भी लेके, बोला अभी वो कमरे में चुपके से साहेब का सत्संग सुनता है, वो प्रिंसिपल। मैंने कहा ठीक है। बोला हम ट्यूशन पढ़ने के लिए जब शाम को जाते हैं वो दरवाजा बंद करके आपकी बात सत्संग सुनता है। धीरे धीरे वो फिर मेरे पास पहुंचा। इसलिए हमारे अंदर घृणा नहीं है, जो कोई तो को कांटे बोए उसे बोहो तुम फूल, तुम्हें फूल के फूल है बाबू है तो सुन। तो साहब कह रहे हैं साहब से गोष्ठी भी हुई है, वो मैंने उठाई थी, ये गोष्ठी थी, आपने देखा होगा कल मैं छींका भी नहीं था और मैंने वीडियो आप भी नहीं किया था। मैंने इनको कहा नहीं सत्संग के बाद में मुझे जूस देना। मैं आपको बताता हूँ, मैं ठीक 11 बजे के आसपास ये जूस पीता, पहले मैं जूस नहीं पीता था, मैं फल खाता था, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता तो, लेकिन आज भी मैं थोड़ा लेट हुआ, ज़्यादा टाइम हुआ इसलिए फिर मुझे अभी 1.25 घंटे से ज़्यादा हुआ बात करते हुए, तो मैं थोड़ी देर वीडियो आप कर रहा हूँ, ऑडियो चलता रहेगा। कई जगह मैं ये प्रमाणित करने की कोशिश करता हूं, व्हाट इज द कबीर, मैं साहेब को थाप रहा हूं, मैं मधु को नहीं थाप रहा हूं। मुझे अगर किसी ने कहा कि कृपा करना महाराज, मैं क्या कहता हूं पता है, साहेब का भरोसा रखना। वाह, कुछ लोग कह रहे हैं ये अपने आप को भगवान बोल रहे हैं, वाह निंदक क्या क्या बोलते हैं, कितना झूठ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। एक श्रीमान मुझे आकर कहा जी आपके लोग कह रहे हैं आप कबीर के अवतार हैं। मैंने कहा भैया मैंने तो कभी बोला नहीं ये बात, आगे सुनना। बोला लेकिन वो ये बोलते हैं, आपने उनको मना क्यों नहीं किया, एक बेवकूफ आदमी ये सवाल कर रहा है कोर्ट में मुझसे। मैंने कहा भैया गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, ये उनकी अपनी श्रद्धा है, मैं उनको क्या बोलना है, वो उनकी श्रद्धा है, गुरु साहब तो एक है दूजा सब विकार। पर मैंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मैं फलाना अवतार हूँ ढिकाना अवतार हूँ। मैंने कभी नहीं बोला ऐसा, मेरा करता मेरा साइया कह नानक मैं नीचे ही करमा। संतों ने कभी अपने को स्थापित नहीं किया, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरी बात छोड़, मैं तुझे भी कबीर का अवतार मानता हूं, क्योंकि कक्का केवल नाम है, बब्बा भरण शरीर रर्रा सब में रम रहा, इसका नाम कबीर, जो इंसान के अंदर शुद्ध चेतन सत्ता है उसका नाम कबीर है। तो ये चीजें होती है, कुछ अबूझे लोग होते हैं जो नहीं समझते, तो इतने बड़े बड़े लोगों से उन्होंने गोष्ठियां की और गोरखनाथ जी से गोष्ठी की, काशी के बहुत बड़े
विद्वान सर्वदानंद पंडित उनके शिष्य हुए, काशी का खुद राजा वीर सिंह बघेल उनका शिष्य हुआ और अवध का नवाब बिजली खान पठान उनका मुरीद हुआ। तो यार ये प्रमाण कम है कुछ? इसलिए उन्होंने इस संसार को एक अद्भुत दिया। वाह, मैं कह रहा हूँ राइट ब्रदर्स ने वायुयान दिए। पहली कमर्शियल उड़ान शायद 1908 में अमेरिका या फ्रांस से चली है। तो लेकिन आज वैज्ञानिकों ने उसको कितना ज़्यादा रेन्यूवेट और हाई किया, अंतरिक्ष में यान भेज रहे हैं। न्यूटन ये नहीं कर पाया था, पर फार्मूला उसका है, थ्योरी उसकी है, राइट ब्रदर्स की। इसी तरह साहब एक धारा संसार को दे गए। तो बंधु, आज मैं कबीर जयंती के अवसर पर गोरखनाथ जी ने साहब से एक सवाल पूछा, कबीर कब के भय बैरागी? असंख्यन युग बढ़ रहे भाई, तब का हम ब्रह्मचारी, कोटि निरंजन हो गए परलोक सदारी, 10 कोटि ब्रह्मा भय, 9 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु भय, मेरी एक पलैया, कोटि नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवतन की गिनती नहीं क्या सृष्टि विचारी, नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख यह उम्र मारी, जो जो बूझे सो बावड़ा। हाँ साहब कह रहे कोटिन पढ़ ले मैंने देखी, और ये उल्लेख कांगभूषण जी ने भी किया है। ये सब गप नहीं है, लेकिन झूठे लोगों को झूठी नजर आती है सब। तो बंधु, इस तरह ये आज का दिन बड़ा महान दिन है। आज के दिन एक सभ्यता संसार में स्थापित हुई, इस 3 लोक से परे एक देश है, तहां नहीं परलय की छाया, तहां नहीं कुछ मोहर माया, अबधु बेगम देश हमारा है, वेद कितने भी पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है, जो पहुंचा जानेगा भाई कहन सुनन से न्यारा। तो अगर हम पूरा पूरा मंदिर, इसमें क्या हुआ है, कुछ साहित्यकारों ने भी समाज को भ्रमित कर दिया, साहेब पर बहुत कुछ लिख दिया, जब लिख दिया तो उनको उसका सही इल्म नहीं था। तो मैं यहां तक बता रहा हूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी जगत के माने हुए कवि भी माने जाते हैं, आचार्य थे और BHU में हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष थे। वो कबीर साहब के लिए क्या कह रहे हैं बताएं, बहुत कुछ कहा, बड़ी अस्तुत की है, नूना दास कबीर ने बचा कुचा जो सुर, बीन बांध तुलसी लिया अब भी ने सुकून। वाह, परमात्मा के लिए जितना बेहतरीन कहना था कबीर साहब कह गए। जैसे फसल काटते हैं तो नून न पहले, जो काटा मैन वो ही काट लिया, बचा कुचा जो सुर, जो एक आध पौधा बच जाता है वो सूरदास जी ने काटा। 42 ग्रंथ चक्षहीन होने के बाद भी सूरदास जी ने लिखे, बीन बान तुमसे लियो अब भी नहीं सुकून, फिर गिरा हुआ जो कुछ था बचा, जो जमीन में गिर जाता है वो तुलसी ने कहा अब भी नहीं सुकून, अब जो कहेगा इनकी नकल करेगा, ऐसा कहा। लेकिन वो आगे क्या करें, कबीर एक निर्गुण उपासक थे, ये भ्रांति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे व्यक्ति में ये भ्रांति आई, कबीर निर्गुण उपासक नहीं था। निर्गुण नाम निरंजन राय, दादू दयाल कह रहे कोई सर्वगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरा है, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। इसलिए वो सर्वगुण निर्गुण दोनों से परे की धारा देखेंगे, उनकी धारा के मुख्य कार्य है गुरु तुम्हें एक भ्रंग मता हुए जय पासा सोई गुरु सत्य धर्मदासा। उन्होंने योग क्रिया कर्म कांड आदि कर्म योग बाकी कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा सिर्फ एक भरोसा और कहा सूरत संभाले कार्य तू ना। उन्होंने एक पद्धति भ्रंग मता हो जाए पासा वही गुरु सत्य धंडा, जो तुम्हें जैसे भ्रंगा कीट को बदलता है अपनी स्पिरिचुअल ताकत से तुम्हें बदले वही गुरु सच्चा है, और विहंगम मार्ग दिया दुनिया को। धन्यवाद। तो आप सबको कबीर जयंती की बधाई हो। साहेब पुनः कल मैं समय पर आपके सामने पेश हो जाऊँ साहेब।